होटलों पर मिलावटी घी, पनीर और खोवा बेचे जाने की सूचनाओं पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एक्शन में आ गया है। ये तस्वीरें पलवल की हैं, जहां किठवाड़ी रोड स्थित गोपाल जी डेयरी पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान डेयरी से 1000 किलो घी, 125 किलो पनीर और करीब 2 क्विंटल खोआ बरामद किया है। टीम ने घी, पनीर और खोवे के सैंपल ले लिए हैं और जांच के लिए लैब में भिजवा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अगले 15 दिनों में सैंपल के नतीजे आ जाएंगे। अगर मिलावट पाई गई तो डेयरी मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज में गुप्त सूत्रों से पता चला था कि बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर घी और दूध का काम चलता है, तो उसी सूचना के आधार पर हम ये पलवल में किठवाड़ी रोड के आए हैं। यहाँ पे घी मिले, इसके अंदर अभी हमें लगभग 1000 किलो के आसपास घी मिला है, 200 किलो के आसपास खोआ मिला है और 125 किलो के आसपास क्रीम बरामद हुई, इसकी सैंपलिंग हम लोग कर रहे हैं। प्रथम दृष्टि से किस तरह की क्वालिटी लगती है? प्रथम दृष्टि का हमने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं। डॉक्यूमेंट्स में इनके पास लाइसेंस है, वैध लाइसेंस है इनका फैसिलिटी का, और साफ सफाई ठीक ठाक से इन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक है, लेकिन जो सैंपल है उसकी जो केमिकल क्वालिटी है वो तो लैब के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। क्या कार्रवाई होगी रिपोर्ट आने के बाद? रिपोर्ट आने के बाद सैंपल हमारे 3 तरीके से किए जाते हैं, 20 ब्रांड का होता है, सब सैंपल और अनसेफ, तो उसके अकॉर्डिंगली ही अगर अनसेफ आता है तो CGM कोर्ट में उसकी कार्रवाई होगी, और अगर 20 ब्रांड या सब सैंपल आता है ABC कोर्ट में। कितने दिन में सैंपल आ जाएंगे? सैंपल ये लगभग लगा लीजिए आप 14 से 15 दिन के अंदर सैंपल की रिपोर्ट आएगी। दुकान संचालक का नाम क्या है इसका? गोपाल जी डेयरी इनका। दरअसल हरियाणा में इन दिनों मिलावट का केस धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में पलवल स्थित गोपाल जी डेयरी के खिलाफ भी मिलावट करने की गुप्त सूचना स्वास्थ्य विभाग को मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए डेयरी पर छापेमारी की गई। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग के इस कार्रवाई के बाद डेयरी संचालकों में भगदड़ मच गई है। अब देखना होगा कि विभाग की इस कार्रवाई से मिलावट के धंधे पर कितना असर पड़ता है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।